ऊर्जा मंत्री चौधरी रंजीत सिंह का बयान। जेल के अधिकारियों से बैठक में आए सुझावों पर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जेल सुधार पर आए वो सुझावों पर कोई फैसला लेंगे। वहीं फतेहाबाद में कष्ट निवारण समिति में पुलिस के आरोपों के बाद पुलिस में फेरबदल पर भी बोले ऊर्जा मंत्री। उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन में फेरबदल गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री द्वारा फैसले लेने का अधिकार है। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने कल कहा कि जेल के अधिकारियों के साथ की गई बैठक में प्रदेश की जेलों में सुधार के लिए कई सुझाव आए हैं। उन्होंने कहा कि इन सुझावों की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, अब मुख्यमंत्री इस पर अपना फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि कल की कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने आज अपने आवास पर हासिल के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। सारा कुछ प्लान करके सीएम साहब को दे दिया है और मेरे ख्याल में बड़ा जल्दी ही वो कुछ अनाउंस करेंगे। कल हमारी कैबिनेट मीटिंग हो सकता है, शायद उसके बाद ही वो अनाउंस कर दें। कुछ सुझाव सजेशन है, वो अकेले मेरे हाथ तो नहीं होती, हमें फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन होती है, इतना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारा सीएम साहब से बात करके मैं कह सकूँगा। वीर साहब कह सकते हैं कि वो होम मिनिस्टर है, उनका मंत्रालय उनका अपना है, या उस पर सीएम साहब कह सकते हैं। मैं उनके मंत्रालय में क्या चेंज होगा क्या होगा इस पर मेरा कहना उचित नहीं, पर यह बात जरूर ठीक है कि हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप तो किया जा रहा है। यह मैं मुख्यमंत्री जी का आदेश है, जहाँ भी जाओ अफसरों से कहो कि राजा खारों में भी थोड़ा सा इंप्रेशन है कि वो मिड्डा साहब से के ऑफिसर्स को थोड़ा सा, और सीएम साहब कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऑफिसर्स को भी थोड़ा सा, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी है, नए MLA है, थोड़ा सा एक बार कुछ एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, तो बहुत पटरी पे आ रहा है सब मामला, बहुत ठीक हो रहा है जो है ना जी। इमीडिएट कल देखिए सबसे ज़्यादा हम पे शिकायतें थी, मैंने तुरंत निपटाई, खाली 5 पेंडिंग नहीं, 11 में 4 रही हैं, 11 हमने साथ के साथ फाइल करवा दी, कर दिया मैंने, और मैं तो बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ। जो भी है मेरा ये है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ज़्यादा आनी चाहिए, और बहुत उलझे हुए केस जिनमें कुछ है नहीं वो फाइल कर देने चाहिए, जितना मैक्सिमम लोगों को रिलीफ मिले इससे एक फ़ायदा होता है। इस कोर्ट से ऑफिसर ठीक चलते हैं, लोगों को आम जन को अपनी शिकायत ठीक करने अगर मौके के फैसले होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है जिसका मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक नया तरीका है जिसका लोगों को फायदा हो रहा है। बालोटा जेल में एक मामला है जिसमें बंदियों के प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि बंदियों को प्रताड़ित किया जाता है जेल प्रशासन द्वारा। देखिए मेरे टेक ओवर होने के बाद इस तरीके की कहीं बात नहीं है, सब जेल स्टूडेंट को ये पता है कि रंजीत सिंह सख्त मिनिस्टर है, और कोई भी आदमी जाते कहीं भी नहीं कर सकता, किसी कैदी से भी नहीं होगी। हार्ड क्रिमिनल है उनके साथ थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा उनसे एहतियात बरते जाते हैं, बाकी आम हमें कैदियों को सजा में रखना जरूरी नहीं, उन्हें सुधारना जरूरी है, हम उस एंगल से काम करते हैं।